अदालत से पेशी करके सेंट्रल जेल में लौट रहे अपराधियों की दो गैंग में जमकर विवाद हुआ। बताया जाता है कि इप्पा और उत्तर नागपुर के रजत पाली गैंग के बीच मारपीट भी हुई, जिसमें दो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी गुट सुनने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से जेल परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। फिलहाल धंतोली पुलिस ने इप्पा गुट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीती रात नागपुर शहर के सेंट्रल जेल के बाहर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट होने की बात सामने आई है। दरअसल अदालत से पेशी करके सेंट्रल जेल लौट रहे अपराधियों की दो गैंग में जमकर विवाद हुआ। बताया जाता है कि ये विवाद इप्पा और उत्तर नागपुर की रजत पाली गुट के बीच में हुआ। गौरतलब रहे कि परिसर में तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों ही गुट सुनने को तैयार नहीं थे, जिससे जेल परिसर में काफी समय तक तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में धंतोली पुलिस ने इप्पा गुट के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तो आज हमारी कस्टडी लगी थी देशमुख साहब के कोर्ट में, पांचवे मजले पे कस्टडी को हमारे लेके गए 2 बजे के टाइम में गेट के बाहर, और इनके गैंग को भी ले जाके पहले से रखे थे। पुलिस वाले चाहते थे इनको पहले अंदर डाल देते थे और हमारे भाई को दूर रखते थे। इन्होंने जानबूझ के उन लोग नशे की गोलियां खा के थे। उन्होंने जैसे मेरे भाई को देखे तो मेरे भाई पे नाम के वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में उन लोग ने हमला की। ये जो उनकी सोची समझी प्लानिंग है, जेल वालों को भी ये बात मालूम थी कि इनका आज निकल झगड़ा होने वाला है। 2019 से हमारी ये झगड़े लड़ाई शुरू है। इन लोग घर के तरफ भी हमारे एरिया में आके झगड़े करते हैं। इनका काम ही यही है कि लड़के भेजना, झगड़े करना, नशे के काम, इनके फालतू के काम ये करते रहते। तो आज इन लोग ने मौका देख के नशे की गोलियाँ खा के मेरे भाई पे हमला की। जेल पुलिस के कारण ही हुआ। जेल पुलिस ने ये बात 2019 में भी दबाई थी, जब मेरे भाई पे हमला हुआ था जेल के अंदर में, और हमने भी हमारे तरफ के कुछ लोगों ने उन पे हमला किए थे, तो जेल पुलिस ने ये बात दबा दी थी। और जब से मेरे भाई को इन लोग ने 4 साल से अंडा सेल में रखे, हाँ इन लोग नशे की गोलियाँ खाते हैं और हम लोग ये सब चीज़ों में रहते नहीं, तो उन लोग ने मौका देख के नशे की गोलियाँ खा के तारीख से आके मेरे भाई के ऊपर कस्टडी में हमला की। हाँ, सब इन लोग को पुलिस वाले पहुँचाते हैं वहाँ के सेंट्रल जेल के, और इधर उधर के इनको सब मालूम है। जेल पुलिस वालों को मालूम था कि इनके झगड़े हो सकते हैं, तो भी इनको साथ में रखे, और इनके साथ में कस्टडी थी। इनके जो मेजर थे उनको पहले ये पता था कि इनका झगड़ा लड़ाई हो सकता है, तो भी इन लोग ने इन लोग को खुले में छोड़े और ऐसी हाथापाई हुई। मिलता इसलिए तो नशे में थे ना, उनके टेस्ट करवाना चाहिए कितने एक एक महीने के उनके मेडिकल में लाके कि इनके शरीर में क्या है और ये क्या चीज़ अंदर कर रहे हैं, तो आपको साफ पता चल जाएगा। इससे जेल मध्ये ज्यावेळेस आरोपी कोर्ट मधून पेशी करून आलेले होते, ते वेटिंग हॉल मध्ये थांबून चेकिंग करून त्यांना मध्ये घेण्यात येते। त्या दरम्यान दोन जे ग्रुप होते, त्या दोन ग्रुपमध्ये बाचाबाची आणि किरकोळ मारांचे प्रकार झाले। याबद्दल एका आरोपीच्या तक्रारवरून NC रजिस्टर झालेली आहे पोलीस स्टेशन धंतोली येथे। त्याबद्दल आता परवानगी घेऊन अधिक तपास करण्यात येईल। एक रजत पाली आहे आणि एक इरफान, असे दोन ग्रुप्स आहेत। त्याच्यात ते काय कारण आहे, नेमकं काय झालं आहे, त्याच्या तपासमध्ये निष्पन्न होईल। नाही असं म्हणता येणार नाही, त्यांना कैदी पण मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आणि जे आहे बाहेर ज्यावेळेस कोर्टसाठी नेतात त्यावेळेस ते समोरासमोर अचानक आल्यामुळे ती घटना घडलेली आहे, पण त्याच्यात असं काही म्हणता येणार नाही की कोणाचं ढिलाई आहे। आपको बता दें कि बुधवार को ही रजत की न्यायालय में पेशी थी। उस पर चल रहा हत्या का मुकदमा अंतिम चरण में है। पुलिस की एस्कॉर्ट सेल उसे न्यायालय से पेशी करवा कर वापस जेल ले गई। उसे बाहर वेटिंग रूम में रोका गया। इसी दौरान इप्पा गैंग भी अपने साथी से मिलने के लिए जेल पहुंची थी। वहीं दोनों गुटों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। करीब 10 मिनट तक मारपीट चलती रही। पुलिस ने दोनों गुटों को अलग किया और इस घटना की जानकारी जेल अधिकारियों के साथ ही धंतोली पुलिस को दी गई। NBC न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।